वायरल हेयर हैक्स एंड हेयर स्टाइल्स। इनमें से कुछ हैक्स बहुत ही डेंजरस है और कुछ हैक्स बहुत ही इजी है, तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। गाइस, ये हेयर स्टाइल हैक वर्क करता है अगर आप किसी और के हेल्प लेकर बनाओगे तो। ये मैंने खुद से बनाया है बिना देखकर, इसीलिए मेरे जो स्टाइल है वो मेसी हो गया, मेसी दिख रहा है। आप जो मैं हैक ट्राई करने वाली हूँ वो मुझे बहुत ही डेंजरस लगा, फिर भी चलिए ट्राई करके देखते हैं ये सच में असरदार है कि नहीं। जैसे कि आप सबने वीडियो पे देखा ही है, अगर हमारे बालों पे स्प्लिट एंड्स हो जाए तो हम कैंडल जलाकर अपने स्प्लिट एंड्स बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। मुझे तो डर लग रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। उतना है नहीं, मतलब उतना दिखाई नहीं दे रहा है अभी, फिर भी एक दो बाहर आ रहा है, उसी को करके देखते हैं। तो मैंने ले लिया है एक कैंडल, सच में मुझे बहुत डर लग रहा है, साहस ही नहीं हो रहा है मुझे, फिर भी चलो लगाओ। क्या लगाओ, लगाओ, लगा दूँ सच में? जलने की बू आ रही है। नहीं होगा गाइस, मुझसे और नहीं होगा ये, मुझसे ये नहीं होगा। करीब से दिखाती हूँ, पता नहीं कैमरा कितना कैप्चर कर पाएगा, कैमरा उतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाएगा शायद। गाइस प्लीज 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 डोंट ट्राई है, बिल्कुल काम नहीं करता है। काम नहीं करता है मतलब ट्विस्ट करने के बाद जो एक दो बाल बाहर रहता है उसमें अगर आप आग लगा दोगे तो वो तो जल ही जाएगा ना, वो तो ठीक है, पर बहुत ही ज़्यादा रिस्की है ये टास्क। ये हैक्स एक्चुअली हमारे लिए नहीं है, ये खतरों के खिलाड़ियों के लिए है। बहुत ही गंदा बू आ रही है जलने की। मैंने जैसे कि आपको दिखाया था कि एक दो बाल बाहर आ रहा था मेरा, मतलब इतना लंबा बाल अगर बाहर आ रहा था तो इसमें मैंने जब कैंडल से आग लगाया है तब ये जल के इतना तक आ गया, इतना तक, और बाकी जो इतना है वो बाहर ही था। तो अगर आप इसमें भी फिर से आग लगाने जाओ तो ये जलकर यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है? तो कितना रिस्क हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते हो। ये तो इसका मतलब ये हुआ, ये हैक डजंट वर्क एंड प्लीज डोंट एवर ट्राई दिस। Thank you.
जैसे कि आपने देखा ये हैक मेरे लिए वर्क नहीं किया है, पर आप पे ये वर्क कर भी सकता है, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही सिल्की है और स्ट्रेट है और उतना ठीक नहीं है, मोटे नहीं है मेरे बाल उतने ज़्यादा, इसीलिए शायद पेंसिल जो है वो बाहर आ रहा था। अगर आपके बाल थोड़ा कर्ली थोड़ा वे भी ऐसा टाइप का है तो और ठीक है बहुत ज़्यादा, तो शायद ये आप पर वर्क करेगा। तो आप ये एक बार ट्राई करके देख सकते हो, अगर वर्क करे तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा ये। अच्छा लगता है ये, बट मेरे से ये स्टाइल्स अभी अच्छे से नहीं बना, अगर आप अच्छे से बनाओगे तो ये है। गाइज ये हेयर स्टाइल बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा अगर आप किसी और के हेल्प लोगे तो, और साथ में हेयर एक्सेसरीज लगाओगे तो। लास्ट हैक बट नॉट द लिस्ट, और ये स्पेशली थिन हेयर के लिए है। थोड़ा नीचे हो गया है, एनीवेज फिर भी अच्छा लग रहा है, पर्सनली मुझे अच्छा लग रहा है। एक्चुअल में हमें उतना बैक कॉम करना नहीं चाहिए, पर कभी कभी दिल करता है कि यूनिक सा हेयर स्टाइल करूँ, तो अगर तब एक दो बार कर लेते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले मैं भी नहीं करती थी बैक कॉम, फिर कभी कभी कुछ हेयर स्टाइल के लिए कभी कभार करना पड़ता है, जैसे कि आज मैंने किया है। सो या गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो, होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये यूजफुल था। अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हो, या तो आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगी कि आपके पसंदीदा वीडियो लाने के लिए। और हाँ, साथ में वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। बाय।